पिछले दो वीडियोस में हमने जिक्र किया था अच्युतानंद जी का, जो 500 साल पहले उड़ीसा में भविष्य प्रवक्ता आए थे, और उनकी दी हुई भविष्यवाणियों के बारे में भी जिक्र किया था, जिनसे जब हमने डिस्कस किया था तो हमारे समाज सामने आ गया था कि वहां उन्होंने उन वाणियों में बकायदा प्रभु जी के कहां पैदा होंगे, किस साल पैदा होंगे, उनके माता पिता के नाम क्या होंगे, उनके चारों डायरेक्शंस में स्थान क्या होंगे, उन सब का उन्होंने जिक्र किया था, और उसी मुताबिक ठाकुर जी 1955 में पैदा हुए। अब हम आज थोड़ा उससे आगे चलते हैं। अब यहां मैं ठाकुर जी की एक वाणी का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। उनकी वाणी है, जो कुछ मैंने करके पाया है वही कुछ तुम्हें करके तुम्हें पाने को कह रहा हूं, बट करना तुम्हें ही होगा। अब इस वाणी को, वैसे तो ये वाणी बहुत ही गहरी है, बट इस वाणी को अगर हम आज की तारीख में इस हिसाब से समझें कि हम जानते हैं, हम दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं तो हमने अपने अपने कोई आइडियल बना रखे होते हैं। आइडियल बना रखे हैं मतलब हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो हमारे गुरु होते हैं या जो हमारे से आगे होते हैं, हम उनको इमुलेट करते हैं या फॉलो करना चाहते हैं या देखते हैं कि वो कैसे कर्म कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम उस तरह करके आगे जिंदगी में जा सके। तो उनको हम फॉलो कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की होती है, बहुत तपस्या की होती है, बहुत पढ़ाई की होती है, बहुत ज्ञान हासिल किया होता है, तो ये सब करते करते ही वो उस सफलता पे पहुंचते हैं, चाहे वो बिजनेस में बिल गेट्स हों, नारायण मूर्ति हों, या अध्यात्म के शिखर में चले जाएं तो आज की तारीख में जितने भी पुराने लोग आए थे, हम उनके बारे में मदर टेरेसा की बात कर लें या विवेकानंद की बात कर लें, तो उन सब ने भी कोई ना कोई शिखर अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं। और खेल के मैदान में चले जाएं तो वहां पे भी ऐसे ही है, तो हम उनको इमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पे कर्म किए होते हैं और कर्म करने से ही वो ऊंचाई पे पहुंचते हैं, और हमें भी उनको फॉलो करने के लिए उसी तरह के जब हम कर्म करते हैं तो हम भी उस ऊंचाई तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं और पहुंच भी जाते हैं, ये हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। बट यहां पे हमें बड़ा अटपटा लगेगा कि प्रभु जी ने ये बात कही, अगर हम उन्हें भगवान कहेंगे या उनको ठाकुर कहेंगे या प्रभु कहेंगे, उन्होंने अगर ये बात कही तो उसका मतलब क्या है, कि वो अगर प्रभु हैं तो उनको क्या पाने की जरूरत है, और उन्होंने ऐसा क्या किया और ऐसा करके क्या पाया जो हमें भी पाने को कह रहे हैं। तो इस वाणियों को मैं मतलब जब हम उनकी जीवन काल में उतारेंगे या देखेंगे तो उसकी सार्थकता या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें कुछ हद तक समझ आएगी। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि पहले जो ठाकुर जी के शुरू के 20-22 बरस गए वो बिल्कुल आम, जैसे कहेंगे कि गांव में बच्चा पैदा हुआ या कहीं भी बहुत छोटे परिवार में पैदा हुआ, उसी तरह के हिसाब से कर्म हुए, बट हाँ कुछ विशेषता जरूर रही। तो आज पहले हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया 20-22 सालों में पहले, या 23 सालों में, मतलब पहले क्या किया, बाद में उनको गुरुगद्दी के पे क्यों बिठाया, हम उसमें धीरे धीरे आते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ठाकुर जी का जैसे मैंने जिक्र किया था कि माता पिता तो कहाँ पर थे, महंगा कहाँ पर है, बहुत ही रिमोट विलेज है उड़ीसा, कटक से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, और वहां पे जब आज भी उड़ीसा या ये वाले जो इलाके हैं ये काफी पिछड़े हुए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हो कि ये झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, ये कल भी ऐसे ही थी, आज भी वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ ही हैं। हाँ कुछ हद तक वहाँ पे अब जैसे दर्शन मंदिर में बदलाव हो गया है, बाकी वही है। उस समय जब 1955 की बात करें, जो आज से 60 साल पहले की बात हो गई, तब ये कितना पिछड़ा हुआ था आप समझ सकते हैं। वहाँ पर इनके माता पिता जो थे वो एक शूद्र परिवार को बिलोंग करते थे, लो कास्ट फैमिली के थे, और वो गाँव भी शूद्र गांव परिवार वालों का गांव था, कोई खास काम करने के साधन नहीं थे, गांव का माहौल था, तो लोगों के पास, इनके पास कोई अपनी जमीन है तो थी नहीं,
जिनकी जमीन थी उनकी जमीनों पर ये लोग मजदूरी करते थे। अब इस परिवेश में इनके माता पिता जब पैदा हुए उनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई इनके माता पिता की, तो 14-15 साल में शादी हो गई थी इनके माता पिता की। और ठाकुर जी से पहले भी दो बच्चे हुए, बट ठाकुर जी का जन्म 1955 में हुआ। 1955 में जब हुआ तो जब घर में कोई आमदनी का जरिया नहीं है, कोई वहां पर उनके पास कोई ज्यादा गांव का माहौल है कुछ ज्यादा नहीं है, तो इस परिवेश में ठाकुर जी का जन्म हुआ। बट अब इस जन्म से जुड़ा एक मैं रहस्य आपको बताता हूं। उस टाइम क्या हुआ, बड़ी अजीब सी घटना हुई। पहली बात तो उनकी मां का जो गर्भ है वो बहुत लंबा चला, वो तकरीबन 13 महीने 27 दिन चला। अब इस बात पे आज का युग में हम कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इतना लंबा गर्भ चल सकता है। गर्भ ज्यादा से ज्यादा 9 महीने 10 महीने के अंदर अंदर बच्चा हो जाता है। बट बहुत अजीब सी घटना हुई थी कि इनका जब गर्भ इतना लंबा चला तो माँ को भी लगता था कि पता नहीं, कभी लगता था अंदर बच्चा है, कभी लगता था नहीं है। तो एंड में जब बच्चा पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो अंदर से उनके माँ के एक मांस का पिंडुला निकला, बच्चा नहीं निकला, मांस का पिंडुला। मतलब अगर मैं उसको स्पष्ट भाषा में कहूं तो गर्भ केसर समेत, प्लेसेंटा समेत बच्चा अंदर होते हुए वो पूरा का पूरा स्लिप आउट कर गया। क्यों, ये मैंने इसलिए बात कही बिकॉज बच्चा नहीं निकला, लोगों ने मांस पिंडला देखा और जो दाई मां थी उन्होंने मांस पिंडला देखा, और इसका वर्णन भी था कहीं पे जो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक मैं रामदास का जिक्र करूंगा आगे जाकर, तो उनके पत्र में भी ऐसा जिक्र था। तो एनीवे उसके बारे में जब मैं बाद में बात करूंगा तो वो सामने आएगा। तो मांस पिंडला निकला तो पहले तो दाई मां ने समझा कि पता नहीं क्या है, बट उसको शून्यवाणी हुई जो मैंने जिक्र किया था, शून्यवाणी जो हमारी अंतरात्मा को ही सुनती है, वो उसको शून्यवाणी हुई कि इस मांस पिंडले को यहां साइड पे टोकरी के नीचे रख दो और उस पर कपड़े से ढांक दो। उसने वही किया और उसके बाद ये सुबह सुबह का समय है, सुबह का समय है तो उसकी मां तो अचेत पड़ी है, दाई मां से बच्चा पैदा हुआ, मिडवाइफ से। तो उसने जब ये काम कर दिया तो उसने सोचा कि अब आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, तो उसने सोचा कि दिन होने से पहले मैं इस मांस पिंडले को जाके कहीं दबा दूं, नहीं तो इसको मां को दुख होगा जब इसको चेतना आएगी, तो जब इसको होश आएगा तो वो जब गई उसने टोकरी उठाई तो वहां मुस्कुराता हुआ बच्चे को पाया। अब इस तरह करके तो ठाकुर जी पैदा हुए, जिसके बारे में मैंने बोला कि कुछ दिन हफ्ते के अंदर ही, काफी दिन तक तो वो रोए नहीं, 21 दिन तक। तो और हां एक और बात, दाई मां को जब मांस पिंडला निकला दाई मां को नाभि नहीं काटनी पड़ी, ये एक और विचित्र घटना थी। अब इन दोनों घटनाओं पे हम जब ठाकुर जी के जन्म रहस्य पे बात करेंगे, जब हम चरम के ज्ञान की चर्चा करेंगे, जब हम अवतार की या पूर्ण मानव की चर्चा करेंगे जो हम आगे जाके करेंगे, तब हम इसके बारे में आपको स्पष्ट करेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आज हम इतना ही कहेंगे कि एक किस्म से तब चमत्कार हुआ कि इस तरह करके बच्चा आया। अब बच्चा पैदा हो गया, अब वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो शुरू में किसी को कोई ये नहीं है कि कोई चमत्कार हो रहे हैं, बट हाँ कुछ ऐसे चीजें हुई उनके जीवन काल में जो मैं आपसे शेयर करता हूं, जो 20-21 साल तक लोग तो उनको नॉर्मल भाषा में बात करें तो विलक्षण भाव कहते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर, कि ये पता नहीं क्या बात है। जैसे उनके साथ क्या होता था, थोड़े बड़े हो रहे थे तो बैठे बैठे अचेतन हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे मतलब उनकी चेतना गुम हो जाएगी, मतलब जैसे सो गए या है ही नहीं, उनके हिलावा भी तो है नहीं, ठीक, उसको अचेतन होना कहते हैं। मतलब उसको हम दूसरी तरफ से बात करेंगे तो समादेश होना भी कह सकते हैं। बट एनीवे तब तो इन लोगों को ये लगता था अचेत हो गए, लोगों को क्या लगता था, मृगी का दौरा पड़ गया, भूत प्रेत चढ़ गया। तो गांव वालों को या घर परिवार वालों को तो यही लगता था, और उस अवस्था में कभी वो 1 घंटा रहते थे, कभी आधा घंटा, तो कभी 6 घंटे ऐसा भी हुआ। तो ये भी बड़ी अजीब सी घटना थी, बट घर वाले परिवार वाले इस चीजों को ढक के ही रखते थे कि लोगों को क्यों बताऊं।
बट ये अभी मैं इस पे भी आपसे आगे बाद में चर्चा करूंगा। उस समय ठाकुर जी प्रभु जी कॉल में जाते थे, कॉल में जाते थे मतलब लोगों को दर्शन देने जाते थे, उनका शरीर वहीं पड़ा रहता था, वो दर्शन देने जाते थे। इस रहस्य के बारे में मैं आगे अगले एपिसोड्स में आपसे चर्चा करूंगा कि ये क्या है और क्यों होता है। anyway, अभी तो मतलब मैं थोड़ी उनके एबनॉर्मल बिहेवियर की बातें कर रहा हूं, तो इस तरह करके ये हुआ।